चलिए बच्चों, आप लोग निकाल लीजिए अपनी मॉरल साइंस की बुक और कॉपी। ठीक है, हम लोग ने लास्ट क्लास में चैप्टर सेकेंड के हार्ड वर्ड्स करे थे ना, यस मैम। अब हम इस क्लास में करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। ठीक है, इस क्लास में हम करेंगे इसके वर्ड। तो पहला हमारा वर्ड है प्रॉस्पेरस। पहला वर्ड क्या है हमारा? प्रॉस्पेरस। PROSPEROUS। प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेरस का मतलब होता है रिच एंड सक्सेसफुल। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? रिच एंड सक्सेसफुल। RICH, रिच एंड सक्सेसफुल। SUCCESS, सक्सेस, एफ सक्सेसफुल, रिच एंड सक्सेसफुल। फिर दूसरा आता है आपका हंटिंग। दूसरा वर्ड क्या आता है आपका? हंटिंग। HUN, हाँ, HUNTING, हंटिंग। हंटिंग का मतलब क्या होता है? टू द एक्ट ऑफ फॉलोइंग एंड किलिंग वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड एज अ स्पोर्ट्स और फॉर मीट। अच्छा जानवरों का या चिड़िया का शिकार करना, इसके लिए या तो हम उनको स्पोर्ट्स में मतलब खेल के लिए ले सके और या फिर खाने की तरह ले सके। तो क्या होगा? द एक्ट ऑफ फॉलोइंग एंड किलिंग वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड मैम आ मैम, हम कौन सा आ चैप्टर पढ़ा रही हैं? मैम, सेकेंड चैप्टर कौन सी मॉनो साइंस। ये लिखा हुआ है ऊपर, ये देखो, बट एज अ पुस्तक? स्पोर्ट और फॉर ठीक। तो हमारा हंटिंग का मतलब क्या हुआ? हमारा हंटिंग का मतलब हुआ द एक्ट ऑफ फॉलोइंग एंड किलिंग वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स एज अ स्पोर्ट और फॉर फूड। ठीक, अब थर्ड वर्ड आता है आपका मेडिटेशन। थर्ड वर्ड क्या आता है आपका? मेडिटेशन। मेडिटेशन MEDITATION, मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। मेडिटेशन का क्या मतलब होता है? ध्यान ध्यान लगाना। द एक्ट ऑफ गिविंग योर अटेंशन टू ओनली वन थिंग, मतलब कि हम जो भी काम करते हैं सिर्फ तो उसी काम पे हमको क्या करना है? ध्यान लगाना है। द एक्ट ऑफ गिविंग योर ओनली द एक्ट ऑफ गिविंग योर अटेंशन टू ओनली वन थिंग। ये हमारा क्या है? ये है हमारा मेडिटेशन। तो सबसे पहला आपका वर्ड आता है, सबसे पहला वर्ड है हमारा प्रॉस्पेरस। सबसे पहला वर्ड है हमारा प्रॉस्पेरस। पोस्टर। इसका मतलब
रिच एंड सक्सेसफुल. सब लोग बोलिए रिच एंड सक्सेसफुल. सक्सेसफुल. फिर दूसरा वर्ड है आपका हंटिंग. दूसरा वर्ड क्या है आपका हंटिंग. द एक्ट ऑफ द एक्टर ऑफ going and tying the act of following and tying tying will animal or bird as a sport or for food. The act of following and killing थर्ड वर्ड है आपका मेडिटेशन. क्या है एक्टर ऑफ गिविंग योर एसन टू only one thing. का क्या मतलब होता है डेड बॉडीज जलाना. टू बर्न अ डेड पर्सन्स बॉडी. हाँ हमें क्या करना है हमें डेड पर्सन की बॉडी को जब हम जलाते हैं कोई हम क्या बोलते हैं क्रीमेशन बोलते हैं. ठीक है. फिर फिफ्थ आता है आपका डिवोटेड. D-E-B-O-T-E-D डिवोटेड. डिवोटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली E-X-T-R-E-M-E-L-Y एक्सट्रीमली loving and loyal means जिससे हम बहुत प्यार करते हैं. devotion का मतलब होगा extremely loving and loyal. फिर last आता है आपका appear. appear A-P-E-A-R-E-D appear into sin to come into sight S-I-G-H-T sight means हमारे सामने आ जाना. अपीयर का क्या मतलब होता है हमारे सामने सामने आ जाना. तो पहला जो वर्ड है आपका पहला वर्ड है आपका क्रीमेशन. पहला वर्ड क्या है क्रीमेशन मतलब टू बर्न अ डेड पर्सन बॉडी. हाँ टू बर्न अ डेड पर्सन बॉडी. फिफ्थ है आपका डिवोटेड. फिफ्थ क्या है आपका डिवोटेड एक्सट्रीमली लविंग एंड लॉयल. Loving, loving,
एंड लॉयल. फिर आपका सिक्स है अपीयर. सिक्स क्या है? अपीयर. इसका मतलब क्या हुआ? टू द मीन्स टू द इनसाइड साइड. साइड एस आई जी एस टी साइड मीन्स हमारे आंखों के सामने आ जाना. ठीक है? यस मैम. तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड मीनिंग था वो क्या था? फर्स्ट वर्ड था हमारा प्रॉस्पेर. फर्स्ट वर्ड क्या था? प्रॉस्पेर. प्रॉस्पेर इसका मतलब क्या है? रिच एंड सक्सेसफुल. रिच एंड सक्सेसफुल. देन थर्ड है आपका हंटिंग. थर्ड वर्ड क्या है? Hunting. The act of following and killing wild animals or birds as a sport or for meat, या तो खाने के लिए या फिर sport के लिए हम क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं. फिर आता है आपका meditation. Meditation. The act of giving your attention to only one thing. एक चीज पे ही क्या करना? हमें ध्यान देना. इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेडिटेशन बोलते हैं. फिर आते हैं आपका क्रीमेशन. क्या आता है? क्रीमेशन मतलब टू बर्न अ डेड पर्सन बॉडी. डेड पर्सन की बॉडी को जला देना. फिर आता है आपका डिवोटेड. क्या आता है? डिवोटेड इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लॉयल एंड एक्सट्रीमली लविंग एंड लॉयल. क्या होता है डिवोटेड का मतलब? एक्सट्रीमली लविंग एंड लॉयल. हाँ, extremely loving and loyal. इससे हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. ठीक. फिर आता है आपका लास्ट वर्ड मीनिंग जिसका जो है अपीयर. लास्ट आपका कौन सा वर्ड है? अपीयर. टू कमिंग कमिंग इन कम 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 इन टू साइड. To come into sight. हमारा वर्ड है अपीयर. क्या है? To come into sight. चलिए आप माइक म्यूट कर लीजिए सब बच्चे. दिव्यांश, साक्षी, अपना माइक म्यूट करिए. रूपाली, आप अपना माइक ऑन करिए. चलिए जो जितने आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं उसको पढ़ के सुनाइए. टू बर्न अ डेड पर्सन बॉडी. हाँ पढ़िए आगे. Extremely living and ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? Devoted. क्या है ये? Devoted. Devoted. Devoted का मतलब होगा, पढ़िए आगे रूपाली क्या लिखा है. E-X-T-R-E-M. Extremely living and loving. Loving का मतलब होता है प्यारा. Appearing to come into sight. क्या है? Sight. चलिए साक्षी आप पढ़ के सुनाइए. मैं फर्स्ट पढ़िए क्या लिखा है ये. कन्क्रीमेशन. क्या
क्या है? क्रीमेशन. पढ़िए इसको. टू बर्न आ क्लीन पर्सन बॉडी. टू बर्न अ डेड डेड पर्सन बॉडी. बोलिए फिर से. टू डेड पर्सन बॉडी. चलिए इसको पढ़िए क्या लिखा है. डिवोटेड. हाँ पढ़ के सुनाइए इसको. loving and loyal. हाँ चलिए लास्ट पढ़िए. appear to come into sight. चलिए दिव्यांश आप पढ़ के सुनाइए. दिव्यांश पढ़िए. यस मैम. पढ़िए फर्स्ट क्या लिखा है. पढ़िए उसको. गरुड़. ये क्या लिखा है. पढ़िए इसको. cremation. cremation क्या है. cremation. cremation. पढ़िए इसको आगे क्या लिखा है. cremation to burn person body. A dead. D-E-A-D. dead. बोलो. हाँ dead person body. चलो इसको पढ़ो. इसका body body. next पढ़ो. And person body. हाँ नेक्स्ट पढ़ो. loving. इसको पढ़ो. appear to come into sight. क्या है. sight. sight. तो अब आप सबको क्या करना है. सारे वर्ड मीनिंग याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं. ठीक है. यस मैम. यस मैम. अच्छा बताओ सबको स्टोरी याद है. बच्चों बताइए आप सबको स्टोरी याद है. बताइए आप सबको स्टोरी याद है. हमने लास्ट क्लास में स्टोरी पढ़ी थी राजा हरिश्चंद्र की है ना. तो आपको बताइए आप सबको राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी याद है. मैम को नहीं याद. नहीं याद. यस मैम. किसको स्टोरी याद है. स्टोरी बताओ किसको याद है.
हमें याद है? स्वरी याद है आपको? मैम हमने क्लास नहीं करी थी। अच्छा ऋषि आपको स्वरी याद है? राजा हरिशंकर की, राजा हरिशंकर की हमने राजा हरिशंकर की स्टोरी पढ़ी थी ना? अच्छा तो चलिए अब मैं आप सबको लास्ट बार स्टोरी समझा रही हूँ, ठीक है? तो सब लोग अच्छे से सुनिएगा, ठीक? तो हमारी देखो सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लो और सब लोग अच्छे से स्टोरी को सुनना, ठीक है? चलो सब लोग जल्दी से अपने माइक म्यूट कर लो। तो अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। Once there was a great king named Harishan. एक टाइम की बात है, एक महान राजा थे जिनका नाम था हरिशन। He was the ruler of Ayodhya. और वो कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। हरिशन कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। He ruled his kingdom wisely. और वहां पे वो क्या कर रहे थे? अपने राज्य को काफी अच्छे से चला रहे थे, शांति से चला रहे थे। His subjects were happy and prosperous. उनके जितने भी subjects थे, subjects का मतलब होता है उनके followers. उनके followers कैसे थे? काफी खुश थे और सक्सेसफुल थे, मतलब कि बहुत खुश थे और बहुत अच्छे से रिच और सक्सेसफुल थे। He was well known for his truthfulness. उनको सब लोग किस लिए जानते थे? उनकी सच्चाई की वजह से जानते थे। He never lied and always kept his promise. क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला था और वो हमेशा क्या करते थे? अपनी प्रॉमिसेस को पूरा करते थे। One day God decided to test him. फिर एक दिन भगवान ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। They took the help of sage Vishwamitra for this. और इसके लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली थी? सेज का मतलब होता है ऋषि मुनि। सेज का मतलब होता है ऋषि मुनि। तो उन्होंने कौन से ऋषि की हेल्प ली थी? उन्होंने ली थी विश्वामित्र की हेल्प। ऋषि विश्वामित्र की हेल्प। One day राजा हरिशन went hunting in the forest. एक दिन क्या हुआ? राजा हरिशन शिकार करने के लिए जंगल में गए। Suddenly he heard the cries of a woman. और तभी उन्होंने क्या किया? अचानक से उन्होंने एक औरत की रोने की आवाज सुनी। As he went to help her, he entered the ashram of Vishwamitra. वो फिर क्या करने गए? उस औरत की मदद करने गए। और गलती से वो कहाँ चले गए? ऋषि, जो हमारे ऋषि विश्वामित्र थे, उनके आश्रम में चले। विश्वामित्र वाज डिस्टर्ब्ड इन हिज मेडिटेशन एंड बिकेम एंग्री। क्या हुआ उससे? जो ऋषि विश्वामित्र थे, उनकी जो मेडिटेशन थी, मतलब कि उनका जो ध्यान था, वो भंग हो गया, वो खराब हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो बहुत गुस्सा हो गए। To cool his anger, Harishan promised to donate his kingdom to Vishwa. फिर ताकि जो राजा हरिशन है, वो ऋषि विश्वामित्र का गुस्से को शांत कर सके, उन्होंने क्या किया? अपने पूरे राज्य को ऋषि विश्वामित्र को दे दिया। विश्वामित्र accepted his donation, but also demanded dakshina, मतलब fees. To make the act of donation successful. फिर क्या किया?
ऋषि विश्वामित्र ने उनका पूरा राज्य एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, पर फिर भी उन्होंने उनसे क्या मांगा, उनसे डोनेशन मतलब कि फीस मांगी, दक्षिणा मांगी, बोला कि जब आप मुझे ये दक्षिणा दोगे तभी आपका ये जो डोनेशन है ये पूरा माना जाएगा। हरिश्चंद्र हु हैड डोनेटेड हिज होल किंगडम हैड नथिंग टू गिव एज दक्षिणा। हरिश्चंद्र ने क्या किया था, विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य दे दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। He asked विश्वामित्र wait for one, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से 1 month का टाइम मांगा। हरिश्चंद्र who was the man of his word left his kingdom and went to Kashi along with his wife Shivya and son रोहित अश्व। तो क्या हुआ, जो हरिश्चंद्र थे वो क्या थे, अपने बातों के पक्के थे, जो उन्होंने बोला है वो करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ में अपने राज्य को छोड़ दिया और कहाँ चले गए, काशी चले गए। आज के टाइम में काशी कहाँ, जिसको बोलते हैं बनारस को बोलते हैं, ठीक है। In Kashi, he had nothing to call his own, no place to live in. काशी में क्या था, उनके पास रहने के लिए ना कोई जगह थी और ना ही पैसे कमाने के लिए कोई साधन था। The period of 1 month was about to end. और जो 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया था वो खत्म होने वाला था। So his wife requested him to sell her as a slave to get the money. तो उनकी वाइफ ने क्या किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो क्या करे, उनको एक स्लेव की तरह बेच दे। हरिश्चंद sold her to a ब्राह्मण। तो हरिश्चंद ने क्या किया, उनको एक ब्राह्मण को बेच दिया। As he was about to leave, their son began to cry and so Harishan requested to Brahman to buy him also. फिर क्या हुआ, जब ब्राह्मण ने उनकी वाइफ को खरीद दिया तो उनकी वाइफ जाने लगी, और फिर तभी क्या हुआ, तभी क्या हुआ, तभी ये हुआ कि जो उनका बेटा था वो रोने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मण से रिक्वेस्ट किया कि वो उसके साथ साथ उसके बेटे को भी खरीद ले। To pay off the debt, he sold himself to man Chandra. फिर क्या हुआ, ताकि वो अपने कर्जों को खत्म कर सके तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को भी एक चंडाल को बेच दिया। Who ran a burial ground? जो क्या चलाता था, एक burial ground चलाता था, जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाते हैं, burial ground उसको बोलते हैं, ठीक है। One day he was at work on a burial ground and his wife came there carrying the dead body of their son. फिर एक दिन जब हरिश्चंद्र burial ground में काम कर रहे थे तो वहां पे कौन आई, वहां पे उनकी वाइफ आई एक डेड बॉडी लेके, और वो डेड बॉडी किसकी थी, उनके बेटे की थी। द बॉय हैड बाइटन बाय अ स्नेक इन द गार्डन एंड वाज डेड। और क्या हुआ था, उस लड़के को, उनके बेटे को गार्डन में एक स्नेक ने काट लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो मर गया था। Shivya took her son's body to the cremation ground. तो Shivya ने क्या किया, अपने बेटे की डेड बॉडी को लेके कहाँ गए, cremation ground पे गए, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, जो डेड पर्सन होते हैं उनकी बॉडी को जलाया जाता है। There she met हरिश्चंद्र, और वो वहां पे किससे मिली, हरिश्चंद्र से मिली। He was
filled with grief to see his only son's death. क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे जब उन्होंने अपने बेटे की डेड बॉडी को देखा. To perform the cremation, Shivya didn't have any money to buy the firewood. Cremation perform करने के लिए शिव्या के पास एक भी पैसे नहीं थे जिससे वो क्या कर सके, जलाने के लिए लकड़ी को खरीद सके. Harishchand, who was duty bound, could not cremate the body without it. Harishchand क्या थे? वो अपने duty bound थे, मतलब कि उनके मालिक ने उनसे जो बोला था करने के लिए वो वही करते थे. तो वो बिना कुछ लिए उस बॉडी को जला नहीं सकते थे. Shivya was a devoted wife and she did not want her husband to give his duty. Shivya का थी वो एक devoted wife, मतलब कि अपने पति को बहुत प्यार करती थी और loyal थी, trust उन पर trust करती थी, जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहती थी जो राजा हरिश्चंद्र है वो क्या करे, वो अपनी ड्यूटी से हटे, जो उनके मालिक ने बोला है वो वही करे. शी सेड, तो शिव्या ने बोला, द ओनली पोसेशन आई हैड इज दिस ओल्ड साड़ी दैट आई एम वेयरिंग. पोजेशन के नाम पे मेरे पास सिर्फ यही एक पुरानी साड़ी है जो मैंने पहनी हुई है. प्लीज एक्सेप्ट हाफ ऑफ इट एज अ टैक्स. तो टैक्स के रूप में आधी साड़ी को स्वीकार कीजिए. राजा हरिश्चंद एग्री टू टेक द साड़ी. जो हरिश्चंद थे वो क्या है, वो साड़ी को लेने के लिए मान गए. They also decide to give up their lives of their son's cremation fire. और उन्होंने ये भी decide किया कि वो अपने बेटे के cremation fire में क्या करेंगे, उसको भी मतलब कि अपनी भी life खत्म कर देंगे. As Shivya tore her saree, जैसे शिव्या ने अपनी साड़ी को फाड़ा, Vishnu himself appeared with all the other gods. तो भगवान विष्णु बाकी के भगवानों के साथ साथ सामने आ गए. The chandal who was actually Yama showed his real form and brought Rohit Ashwa back to life. और जो चंडाल था वो कौन था, वो एक्चुअली में यमा था. यमा कौन थे, यमा जो है यमराज थे. तो यमा क्या थे, चंडाल एक्चुअली में यमा थे और वो वापस अपने रियल फॉर्म में उसके सामने आए और उन्होंने क्या किया, उनके बेटे को वापस जिंदा कर दिया. The sage came there and said that you have proved death. तो वहीं पे सेज कौन थे, यहाँ पे विश्वामित्र. तो वहीं पे क्या कौन आए, विश्वामित्र आए और उन्होंने बोला कि तुमने साबित कर दिया है Truth always trumps. मतलब कि जो सच होता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है. And gave him back his kingdom and wife. और क्या किया, विश्वामित्र को उनका राज्य और उनकी वाइफ दोनों को वापस कर दिया. तो बताइए बच्चों, अब आप सबको ये स्टोरी समझ में आई? बच्चों बताइए, आप सबको स्टोरी समझ में आई? यस मैम. यस मैम. तो चलिए. यस मैम. यस मैम. ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप सबको इस एक्सरसाइज को फिल करना है, ठीक है, बुक में. ठीक, ओके बच्चों. यस मैम. हार्ड वर्ड कॉपी में लिखने हैं, याद करना है, बहुत याद करके कॉपी में लिखना है. और क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स को, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको आपको फाइंड करके बुक में फिल करना है, ठीक है? यस मैम. ओके, बाय बच्चों. बाय मैम. थैंक यू मैम. वेलकम बेटा. बाय बाय.